तारीख थी 5 अक्टूबर 2024, सुबह के 10:45 हो रहे थे। ईरान के सेमनान प्रोविंस इलाके में 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। यूं भी ईरान में साल भर के अंदर कई भूकंप देखने को मिलते हैं, पर ये वाला कोई मामूली सा भूकंप नहीं था, क्योंकि जैसे ही दुनिया को इसके बारे में पता चला, लोग एक्स पर लिखने लगे। इस घटना से 3 दिन पहले ही ईरान ने अपनी सरजमी से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की थी इसराइल पर। इसके बाद एक इंटरव्यू देकर नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान अपनी इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। Iran made a major mistake this evening and it will pay for it. पर फिर ईरान के प्राइम मिनिस्टर और बाद में जुमे के दिन सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह पैगाम भेज दिया था कि अगर इसराइल ने उनके देश पर हमला किया तो उनका जवाबी हमला पहले से भी घातक होगा और तबाही वाला होगा। बावजूद इस धमकी के, ईरानियन इंटेलिजेंस और वॉशिंगटन के ऑफिशियल्स को अच्छे से मालूम है कि इसराइल हिट बैक करेगा, और यही वजह है जो अब कुछ लोग एक्स पर दावा कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर को सेमनान प्रोविंस में जो भूकंप आया था वो कोई आम सी घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कारण था परमाणु बम की जमीन के अंदर टेस्टिंग। Has Iran behind the fog of war under threat from a rampant Israel secretly become a nuclear power? पिछले 2 दशकों से पश्चिमी देश और उन सब पर हुकूमत करने वाला अमेरिका इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं ईरान एक परमाणु हथियार न बना ले, और उनका ये डर तब और बढ़ जाता है जब ऐसी बातें सामने आई कि ईरान के पास कुल 6.5 टन एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसमें 1.5 क्विंटल यूरेनियम अप टू 60% लेवल तक एनरिच्ड है। हालांकि एक परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का अप टू 90% तक एनरिच्ड होना जरूरी होता है, पर IAEA के डायरेक्टर जनरल का कहना है अगर ईरान चाहे तो 2 हफ्तों के अंदर ऐसा कर सकता है, और यही पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा डर है। उनको अच्छे से मालूम है परमाणु हथियार का किसी भी देश के हाथ में होना उसका दर्जा बुलंद कर देता है। फिर वो अपने से बराबर तो क्या, अपने से बड़े दुश्मन की भी आंखों में आंखें डालकर बात करने लायक हो जाता है। यही वजह है जो अमेरिका नहीं चाहता है कि परमाणु हथियार ईरान के हाथ में जाए। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि क्या वाकई ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, या फिर वो सिर्फ ख्वाब दिखता है, या फिर ये इजरायली प्रोपेगेंडा है उसे बदनाम करने के लिए। क्या ईरान को सच में न्यूक्लियर पावर बनना है? क्या वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका है? क्या है उस भूकंप के पीछे छुपी वो सच्चाई? आइए जानते हैं। दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि परमाणु बम को बनाया कैसे जाता है। परमाणु बम फिजिक्स के फिजन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये फिजन बेसिकली एक चेन रिएक्शन है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एटम से बनी है। एटम के अंदर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये एक न्यूक्लियस यानी एक सेंटर के इर्द गिर्द नाचा करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये खोज कर ली थी कि कैसे किसी एटम का विभाजन किया जाए, और उन्होंने ये करते हुए ऐसा पाया था कि जब भी किसी एटम को तोड़ा या बांटा जाता है तो उसमें से बहुत हाई लेवल की एनर्जी रिलीज होती थी। और अब समझिए इस बात को कि हमारे धरती की सतह में यानी उसके क्रस्ट में एक धातु पाया जाता है जिसे यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम हाईली रेडियोएक्टिव होता है, यानी इसके उपयोग से आसानी से बम बनाए जा सकते हैं। इसी धातु से परमाणु बम भी बनाया जाता है। पर यूरेनियम जिसे येलो केक भी कहा जाता है, वो पाया जाता है यूरेनियम 238 स्टेट में। बेसिकली ये यूरेनियम को वो फॉर्म होता है जिसमें वो हाईली रिएक्टिव नहीं होता। इसे रिएक्टिव बनाने के लिए प्यूरिफाई किया जाता है। जब ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है U235। और जब यूरेनियम इस फॉर्म में आ जाता है तो जब उसको तोड़ा जाता है तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और काफ़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। पर ये खतरनाक तब बन जाता है जब ये बांटे जाने के बाद रुकता नहीं है, बल्कि अगल बगल के एटम्स को जाकर भी बांटना शुरू कर देता है, और वो भी आगे वाले एटम्स को बांटते चले जाते हैं, और फिर चलती ही रहती है ये चेन रिएक्शन जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब पूरे आसमान में एक ब्लास्ट सा दिखाई देने लग जाता है। एटम बॉम्ब इतना खतरनाक है कि जब इसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था तब न केवल वो शहर मिनटों में तबाह हो गया था, बल्कि वहां रहने वाले 1,40,000 के आसपास निवासी भी मौत की नींद सो गए थे। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार था। हिरोशिमा पर उस बम का ऐसा असर हुआ कि आज तक वहां के लोग उसके साइड इफेक्ट्स झेलते हैं। एटम बॉम्ब की यही तो खासियत बोले या फिर उसका श्राप कहें कि वो जहां कहीं भी गिरेगा उस जगह को
اگلے ہزاروں سالوں کے لیے برباد کر دے گا۔ نہ اس زمین پر کھیتی باڑی ہوگی، نہ وہاں کا واتاورن اچھا ہوگا، اور اس جگہ پر پیدا ہونے والا بچہ بھی بڑی بڑی بیماریوں کا مریض بن کر رہے گا۔ اور یہ تو اس بم کی بات ہے جو آج سے 70 سال پرانا تھا۔ آج روس اور امریکہ کے پاس اتنے گھاتک پرمانو ہتھیار ہیں جن کا انومان آپ اس طرح سے لگائے کہ اگر ان میں سے ایک بھی دلی کے چاندنی چوک والے علاقے میں گرا دیا جائے تو نہ کیول پرانی دلی بلکہ پورا NCR چند سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ بم سے نکلنے والی گاما ریز کے چلتے آدمی کی ہڈیاں بھی دھول کی طرح اڑ جائیں گی۔ انسان کچھ اتنا گھاتک بنا سکے گا شاید اس کی کلپنا تو اوپر والے نے بھی نہیں کری ہوگی۔ خیر، یہ تھا ایک بریف میں ایکسپلینیشن کہ کیسے پرمانو بم بنتا ہے اور وہ کتنا خطرناک ہے۔ اوبویسلی پرمانو بم بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن ایران ان کچھ دیشوں میں سے ایک ہے جو پرمانو ہتھیار بنانے جتنا قابل تو ہے، لیکن وہ ابھی تک اسے بنا نہیں پایا ہے، یا یہ کہیں کہ بن نہیں رہا ہے۔ اسرائیلیوں کا ایسا آروپ لگانا ہے کہ 1990 سے لے کر 2003 تک ایران ایک خفیہ نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا جس کا نام پروجیکٹ اماد تھا۔ موساد کے جاسوسوں نے جو دستاویز اکٹھا کیے تھے ان کے آدھار پر ان کا آروپ لگانا تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ کسی فارن کنٹری سے ملی تھی۔ بعد میں ہوئی انویسٹیگیشن سے پتہ چلا تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عبد القادر خان تھا۔ یہ وہی آدمی ہے جو پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے پیچھے سب سے بڑی اور اہم بھومکا نبھانے والا تھا۔ انفیکٹ قادر خان نے خود ایک انٹرویو کے دوران یہ قبولا تھا کہ انہوں نے بلیک میں ایرانین آفیشلز کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچی تھی۔ اسی لیے اسرائیلی لیڈرز ایران پر آروپ لگاتے رہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر سے جھوٹ بول رہا تھا اور اپنی نیوکلیئر سائٹس پر بم بنانے کی ریسرچ میں جٹا ہوا تھا۔ اور یہ بات ایران کے ایکشنز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سچ بھی ہے، کیونکہ 2009 میں کئی پشچمی دیشوں کے دوارا آروپ لگانے کے بعد ایران نے یہ قبولا تھا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا یہ پیسفل پرپزز کے لیے کی گئی ریسرچ تھی اور جس پر اس نے 2003 کے بعد سے روک لگا دی تھی۔ اور تو اور اپنی صفائی دیتے ہوئے ایرانین لیڈرز کہتے ہیں کہ امام یعنی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے نیوکلیئر ویپن کو غیر اسلامی گھوشت کر رکھا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اسے نہیں اپنانے والے ہیں۔ یہاں تک کہ صدام حسین کے ساتھ جب ایران کی جنگ چل رہی تھی تب آئے دن صدام حسین کیمیکل وارفیئر کا اپیوگ کر کے ہزاروں کی جان لیتا تھا۔ بدلے میں جب بھی خمینی صاحب سے کہا جاتا کہ ایران کو بھی کیمیکل وارفیئر یوز کرنا چاہیے تو ہمیشہ اسے غیر اسلامی کہہ کر کے منع کر دیتے تھے۔ خیر، اس کے باوجود بھی اس پر شک برقرار رہتا ہے۔ پھر فائنلی جا کر اوباما کی ایڈمنسٹریشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایران کو کیسے روکا جائے پرمانو ہتھیار بنانے سے۔ انہوں نے پریشر یا پھر دھمکی دے کر اسے روکنے کے نہ طریقوں کو اپنا کر سمجھوتا کر کے حل نکالنے کی کوشش کی تھی۔ 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا پھر JCPOA بھی کہا جاتا ہے، 7 دیشوں اور ایران کے بیچ میں سائن کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے ذریعے ایران اپنی ساری نیوکلیئر فیسلٹیز کی لوکیشن سے لے کر لیب میں ہو رہے ہر پرکریا کے بارے میں جتنی بھی جانکاری یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے ہوگی دینے کے لیے راضی تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ تو اپنی یورینیم انریچمنٹ پروگرام پر سیٹ کی گئی لمٹ کو بھی فالو کرنے کے لیے ریڈی تھا، اور باہر دیشوں سے آئے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اپنی فیسلٹیز کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے بھی راضی تھا۔ بس اس کی شرط اتنی تھی کہ امریکہ نے جتنے بھی پرتیبندھ اس کے خلاف لگائے ہیں سب ختم کر دے۔ 15 جولائی 2015 کو یہ ڈیل فائنلائز ہو گئی تھی۔ لیکن پھر 2016 میں امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں اور وہاں سرکار بنتی ہے ریپبلکن کی، جو ہمیشہ سے اس ڈیل کے خلاف تھے۔ ستا میں آنے کے 2 سال بعد ہی ٹرمپ نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا اور ایران کے اوپر سارے پرتیبندھ دوبارہ سے تھوپ دیے۔ پر پھر بھی ایران باقی پشچمی دیشوں کے ساتھ اس ڈیل میں بنا رہتا ہے، لیکن معاملہ وہاں سے خراب ہو جاتا ہے جب سال 2020 کی شروعات میں امریکہ ایک ایئر اسٹرائکر کے جنرل قاسم سلیمانی کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ایران اعلان کرتا ہے کہ اب وہ یورینیم انریچمنٹ پر سیٹ کی گئی سارے لمٹس کو توڑ کر ویپنس گریڈ یورینیم انریچمنٹ کو بڑھاوا دے گا۔ اتنا ہی نہیں، دھیرے دھیرے ایران اور امریکہ کے بیچ تناؤ اور بڑھتا گیا، جس کے چلتے ایران نے JCPOA کے باقی سارے اکارڈز کو بھی توڑنا شروع کر دیا۔ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ ایران کے پاس کل 6 ٹن سے زیادہ انریچڈ یورینیم 235 ہے، جس میں سے 1.5 کنٹل کے قریب یورینیم 60% تک انریچڈ ہو چکا ہے۔ ایک ایٹم بم بنانے کے لیے کیول 20 کلو گرام یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے جو 90% تک انریچڈ ہو، یعنی ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ایران چاہے تو 2 مہینے کے اندر اندر ایک ایٹم بم سے لے کر 4 ایٹم بم تک سٹاک میں بنا کر رکھ سکتا ہے۔ حالانکہ ایٹم بم بنانا اور ایٹم بم کو ٹیسٹ کر کے لانچ کرنا، ان دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
एटम बम के सक्सेसफुल टेस्टिंग को लेकर उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स में फीड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, जिसे ईरान बिना किसी न्यूक्लियर पावर की मदद लिए जल्द नहीं कर सकता है। अगर वह खुद से सब कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे एक साल का टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम काफी है उसे रोकने के लिए भी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों लोग एक्स पर बातें बना रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों से लेकर वॉशिंगटन में बैठे दिग्गज यही सोचते हैं और मानते हैं कि ईरान के अंदर कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिन्हें ईरान ने दुनिया के सामने अभी भी नहीं लाया है। उन्हें लगता है ईरान जरूर कोई चाल चल रहा होगा, जरूर उसके देश में कोई ना कोई खुफिया न्यूक्लियर साइट होगी जिसका पता केवल कुछ लोगों को ही है। सरप्राइजिंगली ये सेमनान प्रोविंस जो है जहां भूकंप आया था उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर इमाम खुमैनी नाम का एक मिसाइल हेडक्वार्टर है। इतना ही नहीं, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी नाम के एक इंस्टीट्यूट का ऐसा आरोप लगाना है कि सेमनान प्रोविंस के दक्षिणी इलाके की तरफ ईरान ने अंडरग्राउंड टेस्टिंग साइट्स बना रखी हैं जो प्रोजेक्ट अमाद के टाइम से बनी हुई हैं। हालांकि ईरान कहता है कि ये सब बातें सच नहीं है बल्कि बस इजरायली प्रोपेगेंडा है। फिलहाल जितनी जानकारी सार्वजनिक है, सामने है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भूकंप 5 तारीख को आया था वो एक नेचुरल फिनोमिनन था। ऐसा कोई सबूत फिलहाल हमारे पास नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की वजह से हुआ था। पर ये बात भी सच है कि अगर ईरान चाहे तो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है, उसके पास संसाधन तो है। अब अक्टूबर 2 को हुए अटैक के बाद ही इसराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो बदला लेंगे। पिछली बार जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था तो जवाबी हमले में इसराइल ने एक ड्रोन को उनकी न्यूक्लियर साइट पर गिराया था। हालांकि उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अब कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा, और इस बार का हमला पहले से घातक होगा क्योंकि इस बार वो ईरान की मेजर न्यूक्लियर साइट से लेकर किसी जाने माने तेल के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है जिसके कारण उसका काफी नुकसान होगा। साल 2015 में JCPOA पर साइन करने के बाद से ही दुनिया भर को ईरान की हर मेजर न्यूक्लियर साइट की लोकेशन से लेकर उसमें क्या होता है सब मालूम है। ईरान के कुछ मेजर न्यूक्लियर साइट्स मैप में कुछ इन जगहों पर हैं। इनमें से कोई भी हमले का शिकार हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि ईरान ये खतरा नहीं जानता। उसे पहले दिन से ही मालूम था कि उसकी दुश्मनी ताकतें उसके इन ठिकानों पर किसी न किसी बहाने से हमला कर सकती हैं, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ। जैसे हमास ने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे थे पूरे के पूरे गजा पट्टी में, उसी से इंस्पायर होकर ईरान ने भी अपनी कई न्यूक्लियर साइट्स जमीन के अंदर बना रखी हैं, जिसको ये सोचकर डिजाइन किया गया है कि अगर कभी इन पर हमला होता है तो कैसे इस जगह को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही ईरान ने अपनी हर न्यूक्लियर साइट से थोड़ी सी दूर पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरी लगा रखी है ताकि दुश्मन के हवाई जहाजों को रोका जा सके। इतना ही नहीं, इसराइल अगर ईरान के किसी तेल ठिकाने को टारगेट करता है तो इससे न केवल ईरान का नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया के तेल कारोबार पर भी असर पड़ेगा। ईरान के पास अच्छा खासा तेल है, वो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन का हिस्सा है, और अगर चाहे तो अरब मुल्कों के साथ शेयर करके तेल की वो पाइपलाइन जिनसे पश्चिमी देशों तक तेल पहुंचाया जा रहा है उसे भी रोक सकता है। और भी रास्ते हैं जिसे अरब मुल्कों को डर है कि अगर कहीं इसराइल के अटैक की वजह से ईरान के किसी तेल ठिकाने को नुकसान हुआ तो ईरान की प्रॉक्सी आर्मी उनके देशों के तेल के ठिकानों पर मिसाइल्स दागने शुरू कर सकते हैं। यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ऐलान करके अरब मुल्कों ने इजरायली विमानों को अपने एयर स्पेस से होकर कुछ भी ईरान की तरफ भेजने से मना कर दिया है, और वो प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करके ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला होने की जो संभावना है उसको रोकने में लगे हुए हैं। इसराइल भी कई बार कह चुका है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को या फिर तेल के ठिकानों को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये मैंने कोशिश की थी कि आपको जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, अभी क्या हुआ, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसको लेकर के मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकूं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें शामिल करना चाहिए था और डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दें अपने सवाल, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उनको शामिल किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।